40 मंजर आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय टेक मी पेंट, को स्पॉन्सर्ड बाय निक्की एंड ब्रदर्स। खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय टेक मी पेंट। खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय रिकी एंड ब्रदर्स। 6 जून को सऊदीया से घर वापस आ रहा था मोहम्मद नौशाद। उस दिन तक नौशाद से उसके घर वालों का फोन पर रابطہ था। 7 जून से उसका कोई अता पता नहीं है। कलकत्ता एयरपोर्ट से घर वालों ने रابطہ किया तो मालूम हुआ वो जहाज से उतरकर बाहर निकल गया है। घर वालों ने 8 जून को उल्टी थाने में नौशाद की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। देखते हैं, मेरे बाबू से बात करते हैं। बाबू तो छुट्टी में है, पड़ा हुआ छुट्टी अभी फूल लगाया आप देखे? नहीं आज नहीं लगा। ঘটনা আছে যে ওনার আসার কথা ছিল 7 তারিখে ফ্লাইটে, ওনার নামার ছিল টাইম ছিল 8:15 সকালে, কিন্তু ওনার সকাল পর্যন্ত বিকাল পর্যন্ত আমরা ওয়েট করলাম, বিকাল পর্যন্ত মানে কিছু খবর পেলাম না। তবে আমাদের অনেক অসুবিধা পেড়ে গেলাম, তো আমরা ভাবলাম যে ফ্লাইট ওলাইট ডিলে আছে না কি আছে, তো খোঁজ খবর নিলাম। তো তখন মানে বুঝতে পেরেছি যে না ফ্লাইট ঠিক টাইমে নেমে গিয়েছে। তারপরে আমরা মানে ওইখানে গিয়েছি, এয়ারপোর্টে গিয়েছি, তো এয়ারপোর্টে ওইখান থেকে যোগ খোঁজ খবর নিলাম, তো বলছে যে না উনি এখানে ল্যান্ড করেছেন ঠিক টাইমে, আর ইমিগ্রেশনও থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। কোথার থেকে আসছেন, কি করতে আসছেন এখানে? এখানে ছুটিতে এসেছিলেন। ঈদের? হ্যাঁ, ঈদের ছুটি ছিল ওনার 2 মাসের। কোথার থেকে আসছিলেন? সৌদি আরবে। ওখানে কি করেন? ওইখানে উনি কাজ করতেন, লিফট টেকনিশিয়ান। এখন কি মনে হচ্ছে আপনাদের? এখন কি করে আমরা বলবো, আমরা তো মানে ভয়তে আছি যে কি হয়েছে ওনার সঙ্গে, ওনার মানে কেমন আছেন, কোনো কিছু খবর নাই। আমাদের দিনে মন খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে কি হয়েছে ওটা তো জানতে পারছি না যে কি হয়েছে ওনার সঙ্গে, মাঝে মধ্যে কি হয়েছে না, মানে এইগুলা। হ্যাঁ, পুলিশের হয়েছে, মিসিং রিপোর্ট সব কিছু দিয়া হয়েছে, উনি যাঞ্চ করছে। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ आसनसोल शुमाली ब्लॉक तिलमुल की जानिब से एहतजाजी जुलूस और जलसे का इनेकाद किया गया। तिलमुल जिला सेक्रेटरी अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, उत्पल सिन्हा व दीगर कई तिलमुल रहनुमाओं और कारकुनान ने इस जुलूस में हिस्सा लिया। ये रैली धतका रोड से शुरू हुई और आसनसोल स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म मैदान पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई। रियासती वजीर मुलायम घटक ने जलसे से खताब किया। Thank you.
का तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोग से विनती करता हूँ, हम लोग का पश्चिम बंगाल का परंपरा है, रविंद्रनाथ ठाकुर उन्होंने कहा था कि नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर बाजे देखो विरोध महान। हम लोग का पश्चिम बंगाल में बहुत सा भाषा बहुत सा धर्म बहुत सा जाति का आदमी रहते हैं, लेकिन हम लोग का परंपरा यही है कि हम लोग साथ में रहते हैं, भाईचारा करने के रहते हैं। काजी नजरुल इस्लाम कहा था कि हिंदू ना मुस्लिम वही चिंका से कुछ जाओ बंगाली बोला तो पीछे मानो संसार बोल आज एक तो नाव में आदमी डूब रहा, जो नाव में आदमी डूब रहा वो हिंदू ना मुस्लिम है देखने का कोई, आप लोग सोचिए मत, आदमी डूब रहा आदमी को बचाने होगा, वो कोई भी जाति का हो कोई भी धर्म का हो। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आजादी फौज लेकर सिंगापुर गया था, एक मंदिर में हिंदू छोड़ के किसी का प्रवेश नहीं था, नेताजी को बुलाया, नेताजी एक ही शर्त दिया था कि हम जाएंगे लेकिन सभी भाषा सभी जाति सभी धर्म के आदमी को लेके जाएंगे। तुम थोड़ी हम फिर सबको लेके उन्होंने किया था। आज स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रचार किया था, लेकिन साथ में जो औरत थी भगनी निवेदिता वो क्रिश्चियन धर्म का क्रिश्चियन धर्म थी उसका। तो हम लोग का इस पश्चिम बंगाल में जन्म लेते हुए जो भी बड़ा आदमी जो भी मनीषी लोग हम लोग का जो शिक्षा देके गया, आज नरेंद्र मोदी उसको बोलता है भाई, रविंद्रनाथ ठाकुर को लगता है, काजी नजरुल इस्लाम कौन है, स्वामी विवेकानंद कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन है, नरेंद्र मोदी सभी है। इसलिए खाली पश्चिम बंगाल नहीं है, आज देश का सब जगह पर झारखंड में चुनाव हुआ हार गया बीजेपी, बिहार में चुनाव हुआ हार गया बीजेपी, कर्नाटक में चुनाव हुआ हार गया बीजेपी, केरला में चुनाव हुआ हार गया बीजेपी, पश्चिम बंगाल में शांतिपुर में चुनाव हुआ हार गया बीजेपी। देश का वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। इंसान की पहचान उसके घर से होती है और घर की पहचान उसके दरो दीवार से, दीवारों की पहचान तो रंगों से ही होती है। रंगों का दूसरा नाम है टेकमी पेंट। जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए टेकमी पेंट का ही इस्तेमाल करें, एसआरपी इंडस्ट्री का टेकमी पेंट। सिंथेटिक फर्नीचर डिस्टेम्पर हर तरह के पेंट के लिए टेकमी पेंट। आज ही रब्ता करें 8017293479 कोलकाता। रिकी एंड ब्रदर्स वोमेन फर्स्ट चॉइस। शादी ब्याह की खरीदारी हो या ईद का मौका, रिकी एंड ब्रदर्स हर पल है आपके साथ। जहां एक तरफ लेडीज के लिए फैंसी सलवार सूट, कॉटन सूट, फ्रॉक सूट, प्लाजो, चंदेरी जैसे फैंसी ड्रेसेस हैं, वहीं जेंट्स के लिए खान ड्रेसेस और कुर्ता जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। हमारा पता है रिकी एंड ब्रदर्स, डेली मार्केट बर्नपुर। सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड तेल के जहरीले असरात से बचने के लिए सूरज ब्रांड का प्योर कच्ची घानी सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। FSSAI सर्टिफिकेट याफ्ता प्योरिटी और डेंसिटी के मामले में लिलाबा एनालिटिकल लेबोरेटरीज में साबित डबल फिल्टर सेहत के लिए बेस्ट खाने और दूसरी तरह से इस्तेमाल के लिए ग्रेड वन सूरज ब्रांड मार्का सरसों का तेल ही खरीदें। दो चीजों से हम समझौता नहीं करते, क्वालिटी और वेट। रोजमर्रा और शादी ब्याह के मौके पर रब्ता करें सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल, बर्नपुर पश्चिम बर्दवान, मार्केटेड बाय ABU ट्रेडिंग कंपनी। एक शख्स के खिलाफ आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा के शौहर की बेइज्जती और आतिशी असला दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगा। डिप्टी मेयर के शौहर और तिनमूल रहनुमा असलम खान का इल्जाम है कि कॉर्पोरेशन की तरफ से बोरिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान एक शख्स ने उन्हें आतिशी असलाह दिखाया और उन्हें बेइज्जत किया।
इस वाक के खिलाफ कुल्टी थाने में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है। আর উসকা বাদ আম বাদ আজকে ওইখানে খালিল তিনটা বোরিং আমাদের হচ্ছে পাড়া, একটা শহীদতলা হচ্ছে, একটা খালিল নগর, একটা আমবাদ। সকালে আমাদের যে পাড়াতে আমাদের যে সরকার আছে ওরা গেছিল, ওইখানে লোককে নিয়ে প্লেসটা চয়েস করা হয়েছে, এখানে হবে ওইখানে আম লোক আছে ওদেরকে নিয়ে। তো সন্ধ্যাবেলা গাড়ি আসলো 5টার সময়, তো আমি জায়গাটা দেখলাম, তো ওইখানে যে ঘরে যার বাড়ি আছে সামনে হবে, তো ওইখানে মেট মানে কাকিমা বার আসলো, বললো একটু এদিকে করে দেবে, ঠিক আছে এদিকে হয়ে যাবে। আমরা চলে গেলাম অন্য সাইডে, গাড়ি ওইখানে আসলো, তো আমার কাছে ফোন আসলো এখানে করতে দিচ্ছে না, তো আমি বললাম ঠিক আছে ওইখানে করো না, গাড়িটা অন্য সাইডে নিয়ে আসো, গাড়িটা অন্য সাইডে চলে গেল। তারপরে আমি ওইখানে গিয়েছি, আমি যে ছেলে যার বাড়ি আছে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম কি দাদা এখানে কী প্রবলেম, এটা তো আপনার জমি নেই, তো সরকারি কাজ হচ্ছে পাবলিক জন্যে, এখানে একটা পয়েন্ট হবে, তিন জায়গা ডিভাইড হয়ে যাবে জলটা, একটা এদিকে পাড়া চলে যাবে, একটা ওইদিকে চলে যাবে, একটা পিছন দিকে চলে, তিনটা পাড়া চলে যাবে জলটা, আপনাদের জলটা ক্রাইসিস একটু কম হবে। যে মামাটিমানি সরকার কাজ করছে পাবলিক জন্যে, ওইটা আমরা করতে চাইছি আপনাদের জন্যে, আর আপনারা সকালে বলেছেন এখানে করবেন, তো এখন কেন, তো বলছে না আমাকে তো চার লোকটা অন্য বাজিয়ে দিয়েছে। ওকে আমি বললাম ঠিক আছে এখানে তো হচ্ছে না, তুমি বাড়ি যাও। তো ওইখানে একটা ছেলে মুমতাজ বলে যাচ্ছে, বললাম মাফিয়াও আছে, অ্যান্টি সোশ্যাল ছেলে আছে, তো ওইখানে দাঁড়িয়েছিল, তো ওইখানে দাঁড়িয়েছিল, তো আমি ওকে যে ও ছেলে ওইখানে যায় কথা করছিলাম, তো আমি বললাম তুমি বাড়ি যাও, কথাটা শেষ করো। তো ফির আছে মুমতাজ, ও বলছে কি এখানে জলটা জমে যাবে, তো ইয়ে হবে, তো ইয়ে হবে, তো আমি বললাম জলটা জমলে তো আমরাই কাজ করবো না ভাই, জলটা জমবে তো আমরা ড্রেন করবো, এটা আমরা রাস্তা বার করবো। তারপরে ও মানে অন্য ফন্য কথা বলে নামিয়ে আমার উপর গায়ে হাত দিয়ে দিল, মানে জামা মা ছেড়ে দিল, তারপরে চার্জ করলো। ঠিক এখন দু মাস আগে ওইখানে আমরা রোড জন্য 57 লাখ ম্যাডাম ডেপুটি মেয়র আর মেয়র স্যার দুজন ওপেনিং করেছে, ও ছিল আর অন্য আম ছিল, আম ছিল, আম অন্য ফন্য কথা বলছে। আমি কিছু আমি আইসিকে ফোন করলাম মেজবাবুকে, তারপরে ম্যাডাম আসলো, ম্যাডাম আসে আইসিকে ফোন করলো, এখানে আসলো, এইসব নিয়ে হ্যাঁ। খবর আসানসোল উর্দু স্পন্সার্ড বাই টেকমি পেন্ট, খবর আসানসোল উর্দু স্পন্সার্ড বাই রিকি এন্ড ব্রাদার্স। আজ কে লিয়ে বস ইতনা হি, ফির মিলতে হ্যায় ইসি চ্যানেল পর ইসি ওয়াক্ত, আল্লাহ হাফিজ।